हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर मैं इंग्लिश भाई छवि सर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमए सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर से WB Yeats की पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए पार्ट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका, द पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर वॉज रिटन इन द ईयर, ये जो पोयम है प्रेयर फॉर माई डॉटर कब रिटन हुई, कब लिखी गई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1919 में ये पोयम लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर वॉज ऑरिजिनली पब्लिश्ड इन इट्स डेस कलेक्शंस ऑफ पोयम, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर पब्लिश्ड हुई थी इट्स के किस कलेक्शन ऑफ पोयम्स में। तो ये जो पोयम है इट्स के कलेक्शन ऑफ पोयम का नाम था माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर। इस कलेक्शन ऑफ पोयम्स में अ प्रेयर फॉर माई डॉटर पोयम पब्लिश्ड हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोयम वॉज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम एंटाइटल्ड माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर विच वॉज पब्लिश्ड इन, कविता माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर नामक वॉल्यूम यानी खंड में प्रकाशित हुई थी, जो किस सन में प्रकाशित हुई। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1921 में ये प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा ऑफ द पोयम, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस पोयम के प्रत्येक स्टेंजा में टोटल कितनी लाइन्स है। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 8 लाइन्स हैं प्रत्येक स्टेंजा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5, इन द पोयम द पोएट विशेष, इस पोयम में जो कवि हैं विशेष इच्छा करते हैं कि हिज डॉटर उनकी जो पुत्री है शुड बी ग्रांटेड, उसको क्या मिलना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है कोर्टसी, तो ये भी सही है। ऑप्शन बी ऑर्डिनरी ब्यूटी, ये भी ऑप्शन सही है। इनोसेंट एंड चीयरफुल थॉट, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 6, द नेम ऑफ पोएट्स डॉटर इज, यानी कवि की पुत्री का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एने या एन बटलर इट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 7th क्वेश्चन है, ए प्रेयर फॉर माई डॉटर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, ये जो पोयम है एक इनडायरेक्ट रेफरेंस बनाती है टू WB Yeats बिलवेड, WB Yeats की बिलवेड यानी प्रेमिका के लिए, और प्रेमिका का क्या नाम था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मॉडगॉन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द स्पीकर इन द पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, इस पोयम में यानी प्रेयर फॉर माई डॉटर का स्पीकर कौन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी यानी फादर और पोएट, ये दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9th, द पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर बाई इट्स इज एड्रेस्ड टू, किसको संबोधित करते हैं जो हिज डॉटर जो उनकी पुत्री भी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एन। तो ये जो पोयम है प्रेयर फॉर माई डॉटर एड्रेस टू एन हिज डॉटर, क्योंकि WB Yeats की पुत्री का नाम एन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द पोयम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर बिगिंस स्टार्ट होती है बाई डिस्क्राइबिंग, किससे स्टार्ट होती है। तो ये जो पोयम है स्टॉर्म तूफान से स्टार्ट होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं,
ए प्रेयर फॉर माई डॉटर बाई डब्ल्यू वी ईट्स ओपन्स विद एन इमेज, एक इमेज से स्टार्ट होती है, और किसकी इमेज थी? ऑफ द न्यू बॉर्न चाइल्ड, यानी न्यू बॉर्न चाइल्ड की इमेज से स्टार्ट होती है। डेस इन अ क्रेडल, और वो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है क्रेडल यानी पालने में क्या कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्लीपिंग। तो जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है स्लीपिंग इन अ क्रेडल, अपने पालने में सो रही है। क्वेश्चन नंबर 12, द सी विंड इज ब्लोइंग, जो समुद्री हवाएं हैं ब्लोइंग वो बह रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अगेंस्ट द टावर, ये भी सही है। समुद्री हवाएं अगेंस्ट द टावर, मतलब टावर के विरुद्ध बह रही हैं। अंडर द ब्रिज, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है थ्रू द एल्म ट्री, एल्म ट्री के जरिए भी हवाएं बह रही हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्पीकर कंपेयर्स द फ्यूचर टू, जो स्पीकर है वो कंपेयर कर रहा है, तुलना करता है फ्यूचर की किससे करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ए डांसर, एक डांसर से फ्यूचर की तुलना करता है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द ग्रेट क्वीन रेफर्ड इन द पोयम, इस पोयम में ग्रेट क्वीन किसको रेफर्ड किया गया? तो इस पोयम में जो ग्रेट क्वीन है वो है एफ्रोडाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर वॉन्ट्स हिज डॉटर, जो स्पीकर है वॉन्ट्स हिज डॉटर, अपनी पुत्री से चाहता है टू एजुकेट, कि एजुकेट हो जाए इन, तो किस में एजुकेट हो जाए? आइए देखते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी में, ऑप्शन बी फिलॉसफी में, ऑप्शन सी मैनर्स एंड सिविलिटी में, ऑप्शन डी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल स्टडीज़ में। तो जो स्पीकर है अपनी पुत्री को एजुकेट करना चाहता है, ऑप्शन सी इसका सही है, यानी मैनर्स एंड सिविलिटी में। तो दोस्तों ये था इस पोयम का पार्ट फर्स्ट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाई छबी सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाई छबी सर चैनल।